इस गैंग रेप के बाद अब सूरत में छात्राओं के डर मन में काफी डर का माहौल है, खासकर वैसी छात्राएं जो सुबह या देर शाम को ट्यूशन के लिए जाती हैं। लेकिन वीएचपी को शायद इन बच्चियों की सुरक्षा से अधिक अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की फिक्र है। दिव्या सिर्फ 2 महीने पहले वडोदरा से सूरत आई है अपनी छोटी बहन ध्वनि के साथ, लेकिन पढ़ाई के लिए इतना लंबा सफर तय करने वाली दिव्या को अब अपनी बहन की चिंता सताने लगी है। मुझे अब उसे अकेले बाहर भेजने में थोड़ा डर लग रहा है और मुझे लगता है कि ट्यूशन क्लासेस का टाइमिंग्स थोड़ा पीक आवर्स में या बिजी टाइमिंग्स में हो तो इट इज सेफर फॉर द गर्ल्स टू गो। चिंता सिर्फ दिव्या की ही नहीं, शहर के उन हजारों लोगों की है जिनके घर की लड़कियां वक्त बेवक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन ट्यूशन क्लास चलाने वाले कहते हैं कि कानून और व्यवस्था का काम पुलिस का है। कई स्कूल ऐसी है जो 10 बजे शुरू होते हैं, 10:30 बजे शुरू होती है, अगर कोई ट्यूशन क्लास वाला 1 घंटा पीछे कर लेगा तो फिर ट्यूशन का टाइम कैसे सेट करेगा। और सेफ्टी के लिए खाली ट्यूशन क्लास के ऊपर ही क्यों दबाव किया जाता है। एक ओर पढ़ाई और दूसरी ओर हिफाजत, माँ बाप क्या करें, जरूरी दोनों है, सरकार को ही निकालना होगा कोई रास्ता।